नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहार रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना वायरस के दहशत में देश, संसद से सड़क तक दिखाई दिया जानलेवा बीमारी का खौफ। मास्क बांध कर संसद पहुंचे सांसद, हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की रैली टली। देश में कोरोना वायरस 28 पॉजिटिव केस, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, इटली के 16 पर्यटकों को किया गया आइसोलेट, सरकार पूरी तरह से तैयार। दिल्ली में कोरोना को लेकर एक्टिव हुई केजरीवाल सरकार, बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, सरकार ने निपटने के लिए बनाई टास्क फोर्स, हर यात्री की होगी स्कैनिंग। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हड़कंप, कई शहरों में सामने आए कोरोना के संदिग्ध, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की होली मिलन के कार्यक्रमों से दूर रहने की घोषणा। कोरोना के कहर के चलते पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं मनाएंगे होली का जश्न, पीएम मोदी की अपील, घबराए नहीं लोग। कोरोना से सहमे नजर आए बॉलीवुड स्टार, मास्क लगाए नजर आए प्रभास, अनुपम खेर ने अपने फैन से की हाथ नहीं मिलाने की अपील। केरल में ठीक हुए कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज, देश में सबसे पहले केरल में ही सामने आए थे कोरोना के केस, निपाह वायरस पर भी केरल ने पाया था काबू। मध्य प्रदेश में फेल हुआ ऑपरेशन लोटस, मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले कांग्रेस और निर्दलीय विधायक, बोले मुख्यमंत्री कमलनाथ, सरकार गिराने की रच रही भाजपा साजिश। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ विधायक बंधक संकट, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को भोपाल लेकर पहुंचे वित्त मंत्री तरुण भनोट, मुख्यमंत्री कमलनाथ से कराई मुलाकात। मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं, बोले दिग्विजय सिंह, भाजपा पर लगाया विधायकों को बंधक बनाने का आरोप, कहा कि सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे शिवराज और नरोत्तम मिश्रा। दिग्विजय के आरोपों पर शिवराज का पलटवार, कहा कि अपने बोझ से गिर जाएगी कमलनाथ सरकार, सरकार गिराने का भाजपा का कोई प्लान नहीं, भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी मिलाए सुर में सुर। विधायकों को बंधक बनाए जाने की खबरों के बीच सामने आए विधायकों की सौदेबाजी का वीडियो, विसिल ब्लोअर आनंद राय ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर लगाया आरोप, अब दुनिया नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। मध्य प्रदेश में फिर सामने आई दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार के बीच दूरी, उमंग सिंघार का दिग्विजय पर तंज, कमलनाथ सरकार पूर्ण सुरक्षित, राज्यसभा में जाने की लड़ाई सब समझदार है। मध्य प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष नहीं होने से विधायकों में असंतोष, पार्टी के सांसद विवेक तनखा ने इशारों ही इशारों में आला कमान पर उठाए सवाल, कहा कि तत्काल दूर हो पार्टी का असंतोष। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने भी अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल, कहा कि मुख्यमंत्री नहीं मंत्रियों के व्यवहार से है विधायकों में नाराजगी, नहीं सुनते हैं सीनियर मंत्री। दिल्ली में दंगा प्रभावित इलाकों में राहुल गांधी की अगुवाई में पहुंचा कांग्रेस सांसदों का दल, पीड़ित लोगों से की मुलाकात, बस से सांसदों के साथ पहुंचे, लोकसभा में दिल्ली हिंसा पर जमकर हंगामा। निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने किया खारिज, अब गुरुवार को फिर से जारी होगा नया डेथ वारंट, 3 बार पहले रद्द हो चुका है निर्भया के डेथ वारंट। अब कोई भी एनआरआई खरीद सकेगा एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी, बोले मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सरकार पहले ही एयर इंडिया को बेचने का कर चुकी है फैसला। विद्या बालन ने शुरू की फिल्म शेरनी की शूटिंग, अवनी नामक शेरनी और उसकी हत्या के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी, साथ ही मनुष्य और वाइल्ड लाइफ के बीच होने वाले टकराव को दिखाया जाएगा। 6 मार्च को 2 फिल्में होगी रिलीज, टाइगर श्रॉफ की बागी 3 को लेकर दर्शकों में है उत्सुकता, इसके साथ ही संजय मिश्रा की कामयाब भी होगी रिलीज। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।